भगवद्गीता वीर में आज एक सवाल जो किसी ने पूछा था कि अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि वो जादू कर रहा है, यानी ख्वाब में जादू करते हुए देखना, इसकी क्या ताबीर है। देखिए, ख्वाब मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ एंगल से हो सकता है कि आप एक ये भी है कि इंसान खुद को देख रहा है कि वो जादू कर रहा है, और एक ये है कि कोई दूसरा उसके ऊपर जादू कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों की मुख्तलिफ ताबीरें हैं। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि वो जादू कर रहा है, यानी अपने आप को इंसान देखता है कि वो किसी पर जादू कर रहा है, कोई जादू वाली चीज बना रहा है, या कोई पुतला पकड़ा है, या कोई सुइयां लगा रहा है, या कब्र के अंदर रख रहा है, या कोई भी ऐसी चीज जो जादू से मुतल्लिका है, वो अपने बारे में देखता है कि ये जादू कर रहा है, तो यदुल्लु अल बातिल, ये क्या है, दलालत करता है कि वो इंसान जिसने ख्वाब में अपने आप को जादू करते हुए देखा है, दलालत अला अमल कबीहा, दलालत करता है कि कोई ऐसा बुरा काम करेगा, या अमल बातिल, कोई बुरा बातिल बेकार और फजूल काम करेगा कि जिसका उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो किसी बेकार और फजूल काम के अंदर, बुरे काम के अंदर हाथ डालना मुराद है कि मुमकिन आइंदा आने वाले दिनों में कोई बेकार और फजूल काम के अंदर मुबतला होगा। तो ये गोया अल्लाह की तरफ से एक अलार्मिंग कंडीशन है कि आप मुतरबे कर रहे हैं अल्लाह ताला कि तुम जो करने लगे हो या करना चाह रहे हो ये काम ना करना, ये तुम्हारे लिए बातिल बेकार और फजूल होगा। इसी तरह अगर कोई शख्स देखता है कि वो जादू कर रहा है, तो उसकी एक ताबीर ये भी हो सकती है कि वो शख्स कोई ऐसा काम करेगा जिसकी वजह से दूसरे लोगों को धोखे में रखेगा, या उस काम की वजह से लोग धोखे में पड़ जाएंगे, यानी इसकी वजह से, इसके उस काम की वजह से, तो धोखे में, क्योंकि जादू क्या है, असल में फरेब है, धोखा है, मकर है, दजल है। तो जादू कर रहा है तो गोया लोगों को या तो मकर के अंदर मुबतला कर रहा है, या खुद ऐसे किसी काम के अंदर मुबतला जब हो रहा है जो मकर और फरेब वाला, दजल और धोखे वाला काम है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में ये देखता है कि उसके ऊपर कोई जादू कर रहा है, उस पर कोई मंत्र पढ़ रहा है, या किसी ने कहा है, या ख्वाब में बताया कि मैं तुम्हारे ऊपर जादू कर रहा हूँ या करूँगा, तो दलालतुन अलल फितनाति, ये दलालत करते हैं फितने के अंदर मुबतला होने में, कि फकद वका फिल फितनाति, कि वो शख्स करीब है कि फितने के अंदर मुबतला होगा। क्योंकि जादू हो जाना किसी इंसान के ऊपर ये आजमाइश होती है, फितना होता है, अल्लाह ताला की तरफ से इंसान आजमाया जा रहा होता है, तो फकत वका फिल फितना थी, वो किसी फितने के अंदर मुबतला होगा। जरूरी नहीं कि उसके ऊपर जादू ही होगा, अगर उसने ख्वाब में देख लिया, वो किसी भी किस्म के फितने के अंदर मुबतला हो सकता है। तो एक तो ऐसा ख्वाब जब देखेगा तो वो फौरन उसको जाया कर दे जागने के बाद, और फिर इसी तरह वो शख्स जिसने ऐसा कोई ख्वाब देखा हो तो वो थोड़ा सा मुहतात हो जाए, केयरफुल हो जाए कि मैं अगर किसी के साथ कोई मामला कर रहा हूँ तो उसमें मेरे मुहतात रहने, मैंने अपने अस्कार से ही रखने और कुछ सदका कर दे ताकि जो ख्वाब उसने देखा वो हकीकत के अंदर ऐसा हो ना जाए, सदका कर दे ताकि शर उससे, बुराई उससे दूर हो जाए। तो ये एक ताबीर है। इसी तरह एक ताबीर ये भी है कि अगर किसी शख्स ने ये देखा कि उसके ऊपर जादू किया जा रहा है, तो मुमकिन है कि उसके कोई रिश्तेदार ऐसे हैं जो धोखेबाज और फराड़िए समझ लें, और इंतहाई तेज तर्रार मकर और फरेब रखने वाले हैं, तो ये रिश्तेदारों के मकर फरेब धोखे और गरब पर भी दलालत करता है कि उसके रिश्तेदार उसके साथ दजब और धोखेबाजी से काम ले रहे हैं। तो ओवरऑल इसकी जो ताबीर है वो ये समझ लें कि दजल, धोखा, फरेब, फितना, आजमाइश, ये जादू देखना अपने आप को या किसी को करते हुए देखना, तो ये शर और फितने की तरफ ही इशारा होता है।